दोस्तों, अगर आप अभी से बदलते मौसम के कारण जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द या कमर दर्द से बहुत परेशान है तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि अभी जब गर्मियां आ रही है तो कभी मौसम गर्म हो जाता है, कभी हवाएं ठंडी चलने लगती हैं। सुबह ठंडी होती है, रात में ठंडी होती है, दोपहर में गर्मी होती है, तो ऐसे में जोड़ों में दर्द और घुटनों में दर्द की समस्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आपको मैं बताने जा रही हूँ कि इसका इलाज आप कैसे करें। इसके अलावा अगर आपको अर्थराइटिस की समस्या है, यानी कि जोड़ों का दर्द गर्मी हो या सर्दी बना ही रहता है, तब भी आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल जरूर करना है। ये आपके दर्द को दूर करने में बहुत मदद करेगा। इस नुस्खे का इस्तेमाल जब आप पहले दिन करना शुरू कर देंगे तो ये अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, लेकिन इसका इस्तेमाल आपने एक दिन छोड़कर एक दिन रोजाना जरूर करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहली चीज की जो जरूरत है दोस्तों, वो है काली मिर्च। काली मिर्च वात नाशक होती है। ये नहीं है कि जोड़ों में बनने वाली वात को दूर करती है, बल्कि जब हम खाना खाते हैं रोज की रोज जो वायु बनती है, जो बाहर निकलनी बहुत जरूरी है, नहीं तो सिर दर्द दे देती है, या अगर पेट में रुकी रहे तो पेट दर्द, और अगर सिर पर चढ़ जाए तो सिर दर्द, हाथों में रुक जाए तो हाथों का दर्द, और लंबे टाइम तक 2 महीने 3 महीने ऐसे ही चलता रहे, गैस बनती रहे, बाहर नहीं निकले, तो ये हाथ पैरों के जोड़ों का दर्द दे देती है। तो उसे दूर करने के लिए ये काली मिर्च बहुत अच्छी है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करती है, खून को पतला करती है, बीपी को क्योर करती है। दोस्तों, पर इसे लेना सही तरीके से होता है। अगर आप कहें कि हम तो इसे दही में डालकर रोज लेते हैं, आप कहें हम तो सब्जी में डालकर रोज लेते हैं, तो ये इसे खाने का सही तरीका नहीं है। वो आप इसे स्वाद के आधार पर लेते हैं। दोस्तों, इसे लेने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आपने 4 काली मिर्च लेनी है और इसे कूट लीजिए, दरदरा सा कूट लीजिए। अब हमने दूसरी चीज जो लेनी है दोस्तों, वो है अदरक। अदरक को आपने 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है। अदरक का काम क्या है ये आपको बता देती हूँ दोस्तों। इसके अंदर जो जिंजर ऑयल पाया जाता है ना, वो खून को पतला कर देता है। इसके अलावा अदरक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो कि जोड़ों में आने वाली सूजन और दर्द को दूर करते हैं। जो दूध पिया जाता है ना, दूध के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होती है, और इन अशुद्धियों को दूर करना बहुत जरूरी है। आपने कई लोगों से सुना होगा या खुद महसूस किया होगा कि दूध पीने के बाद आपको गैस बनती है। तो ये गैस की समस्या आती क्यों है? क्योंकि दूध के अंदर अशुद्धियां होती है, और उसे शुद्ध करने के लिए कोई ना कोई चीज डाली जाती है। जैसे कि आप तुलसी डाल सकते हैं, आप हल्दी डाल सकते हैं, आप अदरक डाल सकते हैं, आप सौंठ डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है और इसे कद्दूकस कर लीजिए। ये अदरक जो है वो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, खून को पतला करती है, दिल को भी तंदुरुस्त रखती है। मतलब अदरक के तो बहुत बेमिसाल फायदे हैं। दोस्तों, अकड़न जकड़न की समस्या हो, मांसपेशियों में दर्द रहता हो, नसों में कमजोरी आ गई हो, तब भी आपने इसका सेवन जरूर करना है। इसके अंदर हमने क्या करना है, ये कद्दूकस की हुई जो अदरक है और काली मिर्च, इसके अंदर हमने 1 कप के करीब दूध डाल देना है। दोस्तों, इसे उबाला आने के लिए आप गैस के ऊपर रख दीजिए, तो उसे 3 मिनट या 4 मिनट लगेंगे इस दूध को उबाला आ जाएगा। उसके बाद आपने इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। छान कर आप इसका सेवन कर लीजिए। जो बची हुई काली मिर्च है और अदरक है, आप इसे चाय में डाल सकते हैं, सब्जी में डाल लीजिए, आटा गूंथते टाइम यूज कर लीजिए। दोस्तों, जो ये दूध तैयार हुआ है, रात को सोते टाइम हमेशा आपने इसका इस्तेमाल जरूर करना है। इसके बेमिसाल फायदे हैं। एक चीज आपको बता देती हूँ, आप पहले दिन जब इसका इस्तेमाल करेंगे और सुबह जब आप उठेंगे तो जो मॉर्निंग सिकनेस आपको महसूस होती थी, जिनके जोड़ों में लगातार दर्द रहता है कि जब सुबह उठते हैं तो हाथ पैर हिलते नहीं है, थोड़ा टाइम मूव करते हैं, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं हाथ पांव, तो दोस्तों वो समस्या आपको नहीं आएगी अगर आप रात को इसे पीकर सोते हैं। इसके अलावा आप एक काम और करिए, आपने सरसों के तेल या तिल के तेल से मसाज करनी है। दोस्तों, मसाज जोड़ों की मसाज करनी है। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप घुटनों की कर सकते हैं, बाजुओं में दर्द रहता है तो बाजुओं की कर सकते हैं। यानी बॉडी के जिस भी पार्ट में दर्द रहता है, धूप के आगे बैठकर आपने मसाज करनी है। धूप भी जरूर लेनी है, अब तो धूप भी बहुत आराम से मिल जाती है। तो दोस्तों, ये दर्द आपके अंदर रुकेगा नहीं, बॉडी से बाहर हो जाएगा। वात नहीं रुकेगी, वात भी बॉडी से बाहर हो जाएगी। इसके अलावा अगर एक काम और कर सके तो वो बहुत अच्छा होगा, वो हर एक इंसान के लिए जिसके घुटनों में तेज दर्द होता है, धीरे दर्द होता है, घुटनों से आवाज आती है, हड्डियों से कटकट की आवाज आती है, या सारी उम्र इन समस्याओं से वैसे ही बचे रहना चाहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है,
तो वो रोजाना का रोजाना दोस्तों गिलोय जूस पीना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, जिस इंसान ने गिलोय जूस को पीना शुरू कर दिया, एक महीना पी लिया, फिर एक महीना छोड़ दीजिए, फिर एक महीना पी लीजिए, एक महीना छोड़ दीजिए, वो इंसान जिंदगी में वात पित्त कफ इन सभी समस्याओं से बचा रहेगा। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपके लिए ये फायदेमंद होगी। अगर आपके लिए फायदेमंद है तो थोड़ी सी हेल्प कीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को आपकी तरह मदद मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।